नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ नवरात्रि व्रत के लिए टुट्टू के दही बड़े। इसके लिए हम लेंगे, ये हमने लिया है 200 ग्राम टुट्टू का आटा, और लेंगे हम नमक, सेंधा नमक मैंने लिया है। टुट्टू का आटा जो है वो हमारा 200 ग्राम है, आप अपनी इच्छा से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही हम लेंगे नमक, सेंधा नमक है ये 1 चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और लेंगे हम पानी। पानी हमने जितना टुट्टू का आटा लिया है उतना ही हम पानी लेंगे। साथ ही हम लेंगे, ये ली है मैंने खट्टी मीठी सौंट, ये इमली की सौंट है, ये घर में बनी हुई है इमली। चीनी ले सकते हैं आप, और नमक है इसमें सिर्फ, जीरा भी है भुना हुआ, आपने इच्छा से चीनी या गुड़ की भी बना सकते हैं। साथ ही हम लेंगे ये हरा धनिया है हमारा, ये घर का फ्रेश धनिया है, इसको मैंने धो के रख लिया है अच्छे से। करीब आधा बाउल हरा धनिया ले लेंगे हम, और लेंगे हम ये धनिया की हरी चटनी है, मैंने आधा बाउल यूज़ की है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही बड़ों में। अब मैंने बड़ा बाउल ले लिया है, उससे मैंने टुटू का आटा डाल दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी मैंने आधा ही डाला है, सारा पानी मैंने एक साथ नहीं डाला है, और साथ ही नमक मिर्च भी डाल दिया है। अब इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए और बहुत पतला नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आप चीले का पेस्ट बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा आपको गाढ़ा रखना है। अब मैं इसमें और पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये पानी मैंने इसमें और डाल दिया है। अब इसका हम फिर से एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस टाइप से आपकी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत पतला नहीं है और बहुत गाढ़ा नहीं है। और जो हमारा टुटू का आटा था उसके लिए पानी देखिए बहुत ही थोड़ा सा बचा है, यानी कि जितना आपका आटा है उतना ही आपका पानी भी यूज़ हो जाएगा इसमें। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं ढककर। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी है आपकी। चलिए अब इसको ढक के रख देते हैं, और हम गैस पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने रख दिया है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। मैं नॉर्मली मूंगफली का तेल इस्तेमाल करती हूँ व्रत में। अब जो हमारा बैटर है वो हम इतना इस तरह से लेकर थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे। मैंने इसमें पकौड़ी तलने के लिए डाल दी है, जो टुटू की पकौड़ी है। इसे मैंने बिल्कुल भी आलू यूज़ नहीं किया है, आपने इच्छा से आलू यूज़ करना चाहते हैं बाद में चाट की तरह जैसे बनते हैं तो डाल सकते हैं। अब इसको मैं एक बारी पलट देती हूँ, इसको मैं बहुत ज़्यादा 2-3 बार नहीं पलटना है, सिर्फ एक बार ही पलटना है। उससे क्या है कि इसका सॉफ्टपन थोड़ा सा बना रहेगा। देखिए मैंने सभी पकौड़ियों को पलट दिया है, सभी पकौड़ियों को अच्छे से। ये मेरी सभी बनकर रेडी हैं, देखिए कितनी फूली फूली पकौड़ियाँ बनी हैं। अब मैं एक बड़े बाउल में पानी ले लूँगी, और उसमें मैंने इन पकौड़ियों को डिप कर दिया है। ये करीब मैं 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी। इससे क्या है काफ़ी अच्छी सॉफ्ट हो जाती हैं पकौड़ियाँ आपकी, बिल्कुल दही बड़े का टेस्ट आता है इसका। अब एक अलग से बाउल लेकर जो हमारी पकौड़ियाँ हैं उसका हम पानी निचोड़ लेंगे हाथ से, और इसका पानी सारा निकाल कर हम एक अलग बाउल में रख लेंगे। इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे। अब मैं सभी पकौड़ियों को निचोड़ कर और इसमें रख देती हूँ। ये देखिए मैंने सभी निचोड़ कर रख ली है। अब हम एक बाउल में दही ले लेंगे, ये मेरा खट्टा जमा हुआ दही है, फ्रेश दही है मेरा, ये खट्टा दही नहीं लेना है आपको, आप चाहे मार्केट का भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम अच्छे से दही को स्प्रेड कर देंगे। मैंने आटे में ही नमक वगैरह डाला हुआ था, आप ज़्यादा और मिर्च वगैरह खाना चाहते हैं तो आप इसमें और भी मिर्च और नमक दही में ऐड कर सकते हैं। पूरी दही को मैंने स्प्रेड कर दिया है अच्छे से। अब इसके ऊपर हम जो हमारी और सब इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। ये जो हमारी दही की चटनी है, धनिया की चटनी है, उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चटनी मैंने डाल दी है इसके ऊपर अच्छे से।
अब इसके ऊपर हम जो हमारे खट्टी मीठी सौंठ है उसको भी स्प्रेड कर देंगे। मैंने अच्छे से 5 टीस्पून को इसमें ऊपर से डाला है, आप चाहे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और चाहे कम भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी कलरफुल हो रही है ये। अब इस स्टेज पर आप आलू डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है, पर मैं इसमें आलू नहीं डाल रही हूँ, मैं बिना कोई आलू डाले हुए ही इस चाट को बना रही हूँ। अब मैंने भुना जीरा स्प्रेड कर दिया है इसके ऊपर अच्छे से। भुने जीरे का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। साथ ही हम डाल देंगे फ्रेश धनिया, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बड़ा खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी। तो चलिए ये बनकर रेडी है, मैंने इसे सर्व कर लिया है। अब आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों।